हेलो स्टूडेंट, आज हम सप्लीमेंट्री फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का थर्ड चैप्टर करेंगे। चैप्टर का टाइटल है द मिडनाइट विजिटर। रॉबर्ट ऑर्थर इसके राइटर हैं। ये स्टोरी ओसबल नाम के एक सीक्रेट एजेंट के बारे में है, जो एक अमेरिका से बिलोंग करने वाला सीक्रेट एजेंट है। पिछले 20 साल से वो पेरिस में रह रहा है। जर्मन और फ्रेंच उसको अच्छे से बोलनी आती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका जो बोलते हुए जो अमेरिकन एक्सेंट है वो अभी भी है। वो किसी भी लैंग्वेज में बात करे अमेरिकन एक्सेंट आता है उसके बोलने में। और उस शाम वो फोलर नाम के एक राइटर के साथ है। फोलर नाम का जो राइटर है वो ओसबल से मिलने के लिए आया था, एक सीक्रेट एजेंट से मिलने के लिए। वो ये सोचकर आया था कि उस सीक्रेट एजेंट से जिससे वो मिलने जा रहा है उसने पता नहीं क्या क्या इमेजिन किया था कि वहाँ क्राइम सीन होगा, पिस्टल होगी और अच्छे सूट बूट की पर्सनैलिटी वाला वो सीक्रेट एजेंट होगा। उसको कोई स्टाइलिश सा फ़ोन उसके हाथ में होगा। लेकिन जब वहाँ वो उससे मिलता है, ओसबल से, तो देखता है कि ओसबल एक मोटा सा, ओल्ड सा, पुअरली ड्रेस्ड वाला और एक सिंपल सा फ़ोन लिए हुए एक ऐसा साधारण सा व्यक्ति है। उसको बोर सा फील हुआ कि मैंने जो सोचा था वैसा तो कुछ नहीं है। और ये सब बातें कि मैंने क्या क्या सोचा था, ये सब बातें वो ओसबल को भी बता देता है फोलर कि मैं तो ये सोच के आया था लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो मिस्टर ओसबल है उसकी बात सुन के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये सब नहीं, लेकिन आज मैं कोई ऐसी चीज़ तो तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें इस बात का पछतावा नहीं होगा कि तुम एक बोर से सीक्रेट एजेंट से मिले। कोई एक ऐसी थ्रिल वाली रोमांची चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है जो मिसाइल से रिलेटेड है, जो हमारे देश के फ्यूचर को ही बदल के रख देगी। और उस रिपोर्ट को बचाने के लिए बहुत सारे मैन और वोमेन ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है, तो उस रिपोर्ट को आज मैं हासिल करने वाला हूँ। तो ये एक थ्रिल वाला एडवेंचर सी चीज़ तुम देखोगे। तो ये सब कहते हुए वो अपने होटल में, जिसमें वो रुका हुआ एक साधारण से होटल में, तो कॉरिडोर में से होते हुए अपने रूम की तरफ जाते हैं। छठी मंजिल है उस रूम, उस होटल की। वहाँ छठी मंजिल जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे एक रूम लेके वो रह रहा है ओसबल। तो वहाँ उस मैली से कॉरिडोर में से होते हुए वो वहाँ पे अपने रूम में जाते हैं। रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाके दरवाज़ा बंद करके लाइट ऑन करते हैं। जैसे ही लाइट ऑन करी उसका ध्यान पड़ा सामने एक व्यक्ति खड़ा है, हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए, और उसका जो गन पॉइंट था वो फोलर और ओसबल की तरफ ही था। एक पतले से शरीर वाला, ज़्यादा हाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग भी नहीं दिख रहा वो। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर थोड़ी देर के लिए जो फोलर है वो तो रोमांचित सा हो जाता है कि ये क्या है, कि जैसे दरवाज़ा खोला सामने एक ऑटोमेटिक पिस्टल लिए व्यक्ति खड़ा है। लेकिन ओसबल के चेहरे पर ऐसा कोई डर नहीं है, वो उसको पहले से ही जानता है। वो कहता है, अरे मैक्स, ये तुम हो। मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है। कि तुम्हें तो बर्लिन में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन मैक्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आती है और वो कहता है कि मैं वो रिपोर्ट लेने आया हूँ जो आज तुम्हारे पास आने वाली है। उस रिपोर्ट को मैं तुम्हारे से ज़्यादा सुरक्षित तरीके से रखूँगा। वो अपने फ़ायदे के लिए उस रिपोर्ट को यूज करने वाला है मैक्स। और उसकी ये बात सुन के वो कोई रिएक्ट नहीं करता फोलर, और जाके जो आराम कुर्सी थी उस रूम की उस पर जाकर बैठ जाता है। और फिर जो होटल मैनेजमेंट वाले हैं उनकी तरफ वो गुस्सा करने लगता है, बात को वहाँ से घुमाकर दूसरी तरफ ले जाता है। खिड़की की तरफ देखता हुआ कहता है कि इन होटल की जो मैनेजमेंट है इनसे तो मेरा झगड़ा होगा। मैंने उनको कितनी बार बोल रखा है कि इस रूम में जो विंडो है ये बालकनी के साथ लगती हुई है, और ये बालकनी में से कोई भी यहाँ मेरे रूम में आ जाता है। और पिछले महीने भी इस बालकनी में से एक ऐसे ही व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया था मेरे रूम में। तब मैंने उनसे शिकायत करी थी और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि वो इस बालकनी को बंद करवा देंगे, ब्लॉक करवा देंगे। लेकिन देखो, ये आज फिर दूसरी बार वही चीज़ हुई और आज तुम यहाँ पहुँच गए। लेकिन मैक्स कहता है
कि मैं बालकनी से नहीं आया, मेरे पास तो पास की है और मैं ये दरवाज़ा खोल के आया हूँ। और यदि मुझे पता होता कि यहाँ बालकनी में से इस विंडो से थ्रू होके यहाँ रूम में जाया जा सकता है तो मेरे लिए इजी होता, मैं आराम से यहाँ आ सकता था और झंझट से बचता। तभी फोलर भी खिड़की की तरफ देखता है कि बाहर उस खिड़की में से अंधेरा दिख रहा है। तो तब ओसवाल कहता कि और वैसे भी ये बालकनी इस रूम की नहीं है, ये दूसरे रूम की है, वो पहले लिविंग रूम हुआ करता था और अब ये बालकनी इस रूम के लिए सिरदर्द बनी हुई है, यहाँ कोई भी आ धमकता है। तब ये सब बातें चल रही थी तभी जो मैक्स है वो फोलर की तरफ गन पॉइंट करता हुआ कहता कि तुम भी बैठ जाओ, अभी 30 मिनट हैं रिपोर्ट के आने में और मैं रिपोर्ट लेके ही जाऊंगा। तो जोक करता हुआ जो उसबल है वो कहता कि 30 मिनट नहीं, अभी 31 मिनट रहते हैं क्योंकि रिपोर्ट 12:30 बजे आएगी, रात को 12:30 का टाइम है और 12:30 तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो कि फिर मैक्स कहता है कि हाँ वो रिपोर्ट तो मैं और मेरे आदमी ही लेके जाएंगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। जब ये सब बातें चल रही थी तभी दरवाजे पे नॉकिंग होती है, मैक्स डर जाता है और पूछता उसबल से कि कौन होगा। तो उसबल जवाब देता हुआ कहता है कि बाहर पुलिस वाला है, मैंने बुलाया है पुलिस वाले को, मैंने कहा था कि आज मेरे पास जो रिपोर्ट आनी है मिसाइल से रिलेटेड रिपोर्ट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है और उसी की सुरक्षा देखने के लिए, सिक्योरिटी चेक करने के लिए वो आए हैं। तो मैक्स ये कह के कि मैं यहाँ बालकनी में जाता हूँ और तुम उसको पुलिस वाले को तुम्हें हैंडल करना है। तो उसबल कहता है कि यदि तुम ये दरवाज़ा मुझे खोलने नहीं दोगे तो पुलिस वाले वैसे भी अंदर आ जाएंगे क्योंकि ये लॉक नहीं है दरवाज़ा, वो किसी भी तरीके से अंदर आ सकते हैं। बाहर से 2 बार फिर नॉकिंग होती है ज़ोर ज़ोर से और 2 बार नाम भी पुकारा जाता है, मिस्टर ओसबल, मिस्टर ओसबल। तभी वो जो विंडो की सील है उस पर पैर रख के दोनों पैर बाहर की तरफ लटका कर और एक हाथ जो फ्री था जिसमें पिस्टल नहीं थी उससे फ्रेम को पकड़कर बाहर जंप करता है बालकनी में कूदने के लिए। और कूदने से पहले कहता है कि उसको किसी भी तरीके से यहाँ से निकालो उस पुलिस वाले को, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और वो कि मेरा जो पिस्टल का पॉइंट है वो तुम्हारी तरफ ही है। ये कह के वो जैसे ही जंप करता है जोर से एक चीखने की आवाज़ आती है, तभी दरवाज़ा खुलता है, डोर नॉब घूमता है और सामने वेटर दिखाई देता है। वेटर को देख के जो फोलर है वो हैरान हो जाता है और वेटर के हाथ में एक बोतल है, 2 गिलास हैं, वो टेबल पे रखता है बोतल और वो गिलास, बोतल के कोर्क को वो खोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो फोलर है वो स्टैमर करता हुआ हकलाता हुआ कहता है कि आप तो कह रहे थे बाहर पुलिस है लेकिन ये तो वेटर था। तो उसबल कहता है मुझे पता है ये वेटर ही था क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले ऑर्डर देके आया था कि मेरे रूम में वाइन और 2 गिलास भिजवा देना और वही देने के लिए ये हेनरी आया था, हेनरी उस वेटर का नाम है, और सिर्फ मैंने उसको भगाने के लिए कहानी बनाई थी। तो फोलर कहता तो अब क्या होगा, वो तो यहीं बालकनी में खड़ा है और वो कभी भी यहाँ आ सकता, तो फिर क्या करेंगे आप यदि पुलिस है ही नहीं तो यहाँ। तो कहता है कि वो कैसे आ जाएगा, ये छठी जो फ्लोर है, ये छठी फ्लोर से 6th फ्लोर से नीचे जंप करके क्या कोई आ सकता है, क्योंकि मैंने एक स्टोरी बनाई थी यहाँ कोई बालकनी नहीं है और वो नीचे जंप कर गया और वो कभी वापस नहीं आएगा। तो इस तरीके से ओसबल ने अपनी इंटेलिजेंसी से एक ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व किया जो शायद वो फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं कर पाता। तो ये थी स्टोरी। इस स्टोरी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री में, वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें, फिर भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हैं कि फोलर ने क्या क्या इमेजिन किया था कि कैसा सीक्रेट एजेंट होगा और मैक्स किस तरीके से अंदर आया और कैसे मिस्टर ओसबल ने मैक्स से छुटकारा पाया और अपनी इंटेलिजेंसी से किस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम को सोल्व किया। तो ये थी अपनी स्टोरी।